जिला बिलासपुर के सदर विधानसभा क्षेत्र में एक दिवसीय दौरे पर पहुंचे केंद्रीय राज्य वित्त मंत्री अनुराग ठाकुर ने कोठी चौक से तरेड़ गांव के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत बनने वाली सड़क का शिलान्यास किया और इस दौरान उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के समय से देश के लाखों गांवों को सड़कों से जोड़ने का कार्य शुरू हुआ था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार के समय इसको और तेज गति से किया जा रहा है। उसी तर्ज पर कोठी चौक से तरेड़ गांव तक की सड़क का शिलान्यास किया गया है, जिससे यहां के लोगों को काफी लाभ पहुंचेगा। वहीं इस दौरान केंद्रीय राज्य वित्त मंत्री अनुराग ठाकुर ने पंजाब सरकार द्वारा विधानसभा के विशेष सत्र में पास किए गए कृषि कानूनों के खिलाफ प्रस्तावित बिलों को लेकर पंजाब सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि 2017 में पंजाब विधानसभा के चुनाव और 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में कहा था कि मंडी एक्ट के बाहर किसानों को अपनी फसल बेचने की सुविधा देगी, लेकिन आज कांग्रेस ही उसके विरोध में है। इसलिए कांग्रेस को जवाब देना होगा कि कांग्रेस का घोषणा पत्र झूठा था या आज की कांग्रेस झूठी है। और वही इस दौरान उन्होंने कहा कि कांग्रेस कहती है कि एमएसपी खत्म हो जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। एमएसपी पहले भी प्रशासनिक प्रक्रिया थी और आगे भी जारी रहेगी, और जितना कांग्रेस के समय एमएसपी के तहत खरीद होती थी उससे 73% गेहूं और 114% धान की फसल खरीद मोदी सरकार के समय ज्यादा हुई है और एमएसपी के रेट को भी बढ़ाया गया है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि मोदी सरकार ने 95,000 करोड़ रुपए प्रधानमंत्री किसान योजना के तहत 2,000 रुपए किसानों के खाते में डाले हैं। वहीं अब किसान कीमत तय करके ही बुआई करेंगे और अगर कटाई के समय कीमत बढ़ जाए तो बढ़े हुए दाम का भी एक हिस्सा किसान को मिलेगा, जो पहले नहीं होता था। और केंद्र सरकार के ये बिल किसानों के हित में है। वहीं पूरे देश ने सिर्फ एक राज्य पंजाब है जहां के राजनीतिक दल 2022 के चुनावों को लेकर किसानों को भड़काने लगे हैं और मोदी सरकार 2022 में किसानों की आय दोगुना करने में लगी है। वहीं इस दौरान उन्होंने जनसभा को भी संबोधित किया, जिसमें उनके हिमाचल प्रदेश खाद्य आपूर्ति मंत्री राजेंद्र गर्ग और स्थानीय विधायक सुभाष ठाकुर भी मौजूद रहे। कांग्रेस बात का जवाब देना होगा कि आपके 2017 पंजाब के विधानसभा चुनाव में और 2014 और 19 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में कहा था कि मंडी एक्ट के बाद वो किसानों को अनाज बेचने की अपनी फसल बेचने की सुविधाएं देगी। तो क्या आज कांग्रेस उसके विरोध में है? कांग्रेस का घोषणा पत्र झूठा, आज की कांग्रेस झूठी है, ये कांग्रेस को बताना है। दूसरा, कांग्रेस ये कहती है कि एमएसपी खत्म हो जाएगा। मैं स्पष्ट कहता हूँ, एमएसपी पहले भी प्रशासनिक प्रक्रिया थी, आज भी है और आगे भी चलती रहेगी। जितना कांग्रेस के समय एमएसपी की खरीद होती थी उससे 73% ज्यादा गेहूं की खरीद मोदी की सरकार में हुई और 114% धान की खरीद ज्यादा हुई। खरीद भी ज्यादा हुई और मूल्य भी ज्यादा मिले। जो न्यूनतम मूल्य है वो गेहूं के अलावा जो बाकी फसलें भी हैं उनका भी 32% से 73% दाम बढ़े तो मोदी जी की सरकार के समय बढ़े। हमने किसानों को 95,000 करोड़ रुपया 2,000 के खाते में डालकर पीएम किसान योजना से दिए, और जब महामारी से दुनिया जूझ रही थी, लड़ रही थी, उस समय भी हमने किसानों को एमएसपी खरीद के लिए 75,000 करोड़ रुपया सीधा उनके खातों में जमा करवाया। ये मोदी सरकार ने दिया है। खरीद उस समय भी हुई, अगली फसल आने वाली उसकी खरीद होगी। यही नहीं भाई और बहनों, एक और हमने किया है कि एमएसपी के अलावा जो फसल के लिए लोग जमीन अपनी कॉन्ट्रैक्ट पर देते थे, ठेके पर देते थे, अब हमने कानून पास किया कि जमीन किसान की है, किसी भी हालत में जो ठेकेदार जमीन पर कब्जा नहीं कर सकता, मालिकाना हक नहीं हो सकता, केवल फसल का ठेका होगा, जमीन का नहीं होगा। अब मान लीजिए उसने उस जमीन पर ट्यूबवेल भी व्यापारी ने लगा लिया, ठेकेदार ने लगा लिया, अपनी भंडारण क्षमता भी बना ली, अपने सिंचाई की सुविधा भी बना ली, तो उसके बावजूद भी उसका मालिका हक नहीं बनेगा। जिसे किसान कहेगा कि उसने कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिया, सारे का सारा सामान उसको उठाना पड़ेगा, तो वो सामान किसान का हो जाएगा। और फसल की कीमत बुआई के समय जो होती है वो किसान को एश्योरेंस हो जाएगी कि कम इतनी कीमत तो मिलेगी, यानी कि किसान कीमत करके ही बिजाई करेगा, वो करेगा। और कटाई के समय कीमत मार्केट में बढ़ती है तो बड़ा हुआ दाम जो है उसका भी एक हिस्सा किसान को मिलेगा, ये पहले नहीं होता था। तो सारे का सारा किसानों के हित में है।
पूरे देश में केवल एक राज्य पंजाब है जहाँ के राजनीतिक दल 2022 के चुनाव लेकर किसान को भड़का रहे हैं। दुर्भाग्य ये है कि वहाँ के राजनीतिक दल कांग्रेस समेत बाकी किसान को भड़काने में लगे हैं 2022 के चुनाव को देख रहे हैं, और मोदी जी 2022 में किसानों की आय को दुगना करने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं।